स्टार भी एग्जाम टिक्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी अभी नोटिफिकेशन आया है रेलवे की तरफ से और इसमें आप लोग देखिए बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है क्योंकि एग्जाम का शेड्यूल इस पर बताया गया है। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए चलते हैं वीडियो कैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें देखेंगे आप लोग दोस्तों रेलवे ने एनटीपीसी एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम फुल शेड्यूल घोषित कर दिया गया। सिटी इंटीमेशन एग्ज़ाम सेंटर और एडमिट कार्ड, ठीक है। तो चलिए आइए इसके वेबसाइट पर चलते हैं। तो इसमें देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आया गया है, इसमें से सभी फेज बनाया गया है और इन सब फेज का अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं 2019 का सीएन फर्स्ट में दिया गया 17/12/2020 का नोटिफिकेशन है अभी अभी का। और क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 1 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPSC ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो इसमें आइए चलते हैं उसके वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। आइए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। इसमें आप लोग देखेंगे नोटिस एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT 1 का आया है। तो ये CBT 1 का है, आइए देखते हैं इसमें क्या बताया है इन्होंने। इसमें बताया द फर्स्ट इसे CBT विल बी हेल्ड इन मल्टीपल फेज ऑर्डर टू इंश्योर एंट्रेंस टू ऑल द COVID-19 गाइड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। इसमें बताया है इन्होंने कि 1.25 करोड़ कैंडिडेट्स हैं और यह बहुत ही लार्ज मात्रा में है। तो इनका इन्होंने एक फेज बनाया है, फेज फर्स्ट में इन्होंने लिखा है कि इसमें 23 लाख कैंडिडेट अप्रॉक्स हमने लिए हैं फेज 1 में। और यह आपका एग्ज़ाम कब से होने वाला है, यह 28/12/2020 से स्टार्ट हो जाएगा और यह लगभग आपका 13/1/2021 तक चलेगा क्योंकि यह फेज़ 1 का है। अब यह सोचिए जिन बच्चों का नहीं आया तो वह न सोचे कि नहीं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा, इसमें सबका एग्ज़ाम होगा। तो सबका एग्ज़ाम होने के लिए इन्होंने देखिए 2018 का इसी प्रकार से पिछले साल में लार्ज नंबर आया था तो उन्होंने फेज करके बनाया था, इसी प्रकार से यहाँ पर फेज 2 फेज 3 इस प्रकार से एग्ज़ाम होगा। तो इसके बाद फेज 3 आएगा जिन बच्चों का नहीं होगा, तो ठीक है। तो कुछ लोगों को मेल भी आ गया है कि 28/12/2020 को एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, 13/1/2021 तक चलेगा जिसमें लगभग फेज 1 में 23 लाख स्टूडेंट हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि फॉर द कैंडिडेट्स हु आर शेड्यूल्ड इन अ पार्टिकुलर फेस। इन्होंने फेस बनाया है, फेस इसलिए बनाया 2018 का पिछले साल का देख करके इन्होंने बनाया है, जिस तरह से पिछले साल में बच्चे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए थे इसकी आधार पर बनाया है इन्होंने। तो यहाँ पर देखा कैंडिडेट्स आर शेड्यूल्ड इन अ पार्टिकुलर फेस, तो इनमें कहा है द लिंक बीविंग द एग्ज़ाम डेट एंड डाउनलोडिंग फॉर ट्रेवलिंग अथॉरिटी फॉर SC and ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द RRB वेबसाइट 10 डेज प्रायर टू स्टार्ट देयर एग्ज़ाम। इन्होंने कहा है कि जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी प्रायर मतलब बिफोर मतलब 10 दिन पहले, 10 दिन पहले इनका क्या हो जाएगा ट्रेवलिंग का शेड्यूल आ जाएगा और एग्ज़ाम सेंटर आपको पता चल जाएगा। और यह आपका एग्ज़ाम कब से होने वाला है, 28 दिसंबर से फर्स्ट फेज का। इसके बाद इन्होंने कहा है डाउनलोडिंग ई का लेटर 4 डेज प्रायर टू एग्ज़ाम डेट मेंटेन इन एग्ज़ाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। इन्होंने कहा है कि आप जब आपका कॉल लेटर आएगा या लगभग आपके एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आ जाएगा, उस पर आप लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा यानी 4 दिन पहले, ठीक है। तो 4 दिन पहले आपका एग्ज़ाम निकल एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम सिटी सेंटर आपका पता चल जाएगा 10 दिन पहले, ठीक है। यह और इसमें COVID-19 का आप लिंक करेंगे तो उसका एक प्रपत्र आप लेकर जाएंगे, वह लिंक के माध्यम से ही आपको मिलेगा, ठीक है, जब लॉगिन करेंगे उसके माध्यम से। इसके बाद इन्होंने कहा इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स हु इज नॉट शेड्यूल इन अ फेज, जिनका मतलब इस फेज में शेड्यूल नहीं दिखाई दे रहा है वह कह रहे हैं कि अगले वाले शेड्यूल में उनको बताया जाएगा। तो उसमें लिंक व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी सेट डेट मैसेज विल बी डिस्प्लेड कर दिया जाएगा और डियर कैंडिडेट यू आर नॉट शेड्यूल इन द प्रेजेंट फेज प्लीज़ वेट द इंटीमेशन फॉर RRB। तो यह आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद लास्ट वाले में लगभग आपका 13 जनवरी तक चलेगा, उसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा फेज 1 वैसे ही फेज 2 सेकेंड यानी सेकेंड वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का,
इसमें बताया गया है कि फारगेट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक करेंगे अगर भूल गए हैं तो विल बी मेड अवेलेबल ऑन द अरबी ऑफिशियल वेबसाइट कैंडिडेट हु फारगेट देयर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर इन ट्रैवलिंग देयर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, मेड अवेलेबल ऑन द अरबी वेबसाइट असिस्ट कैंडिडेट फारगेट, मतलब उसमें आप अपने नाम से निकाल सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो उसमें लिंक की सुविधा दिया रहेगा तो आप उसके माध्यम से एप्लीकेशन की आईडी पर जा कर के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे इन्होंने क्या क्या है। कैंडिडेट आर, तो ये ऊपर वाला फेस कंप्लीट हो गया। पाँचवें में क्या कहा इन्होंने, कैंडिडेट आर एडवाइज टू द रिफर वनली ऑफिशियल वेबसाइट आर आर बी। इन्होंने कहा है कि हमारे आर आर बी वेबसाइट पर ही आप लोगों का सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी हो रहा है वह आप लोगों को दिखाई देगा। तो यह आज का नोटिफिकेशन है, तो फटाफट मेरा यह सेशन अच्छा लगा, यह बहुत ज़रूरी सूचना था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भेजा है, ठीक है। तो फटाफट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी लोगों को पहुँच सके, ठीक है। आपका एग्ज़ाम लगभग क्या 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक फेज़ 1 का स्टार्ट हो गया। तो ओके, थैंक यू।